दोस्तों, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जेनाइटल वार्ट्स यानी आपके जननांगों पर होने वाले वार्ट्स या मस्से, जब ये कंडीशन आपके जननांगों पर इस तरह से कुछ ओवर ग्रोथ, जैसे गोभी के फूल की तरह की कुछ ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, इस कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों जेनाइटल वार्ट्स। यह जो जेनाइटल वार्ट्स होते हैं, यह पुरुषों में, महिलाओं में, किसी में भी हो सकते हैं, या सिंगल हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल भी हो सकते हैं। यह कुछ मिलीमीटर से लेकर काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं और कई दफ़ा ये गुच्छों के रूप में भी हो सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा आखिर जेनाइटल वार्ट्स जो होते हैं या जो जननांगों पर जो होने वाले मस्से होते हैं, इन मस्सों का क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है, और उसके साथ साथ अगर आप लंबे समय से इससे परेशान हैं, अगर आपने इसका ऑपरेशन करवाया है, लेजर करवाया है, या आपने इसको जलवाया है, फिर भी आपको ये दोबारा से हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको होम्योपैथी किस तरह से आपको मदद कर सकती है, या आप चाहते हैं कि आपको ये सारे प्रोसीजर नहीं करने पड़े और आप चाहते हैं कि एक बार होम्योपैथी आप लेना चाहें, तो होम्योपैथी के इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलते हैं। जरूरत है थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रीटमेंट लेने की। मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब कभी भी आपको इस तरह की जो जेनाइटल वार्ट्स हैं वो हो जाते हैं, तो यह जो वार्ट्स होते हैं कई दफ़ा आपके लिए काफ़ी पीड़ादायक भी हो जाते हैं, कई दफ़ा आपको इसमें पेन या एक अनकंफर्टेबल सा भी फील हो सकता है। दोस्तों, ये जो जेनाइटल वार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, पुरुषों में, महिलाओं में, किसी में भी हो सकते हैं, और अक्सर ये पुरुषों में उनके जो पेनिस के जो आगे वाला जो हेड होता है, हेड रीजन होता है, पेनिस का जो आगे वाला भाग होता है, ग्लांस पर उस पर पाए जा सकते हैं, उसके अलावा पेनिस पर कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, उनके लिंग के आसपास की जो स्किन होती है वहाँ पर हो सकते हैं, थाइस पर हो सकते हैं, उनके स्क्रोटम यानी अंडकोष पर पाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में भी उनके वेजाइना के अंदर या वेजाइना के आसपास भी ये जो वार्ट्स होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में, महिलाओं में उनके जो जो एनस वाला पार्ट होता है, मल द्वार के आसपास में भी ये जो वार्ट्स होते हैं वो पाए जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो वार्ट्स होते हैं, इसके अगर हम कारण की बात करें, तो इसका जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है या तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, और या फिर या अगर आपको अनप्रोटेक्टेड कभी आपने सेक्स किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, या जिन लोगों के मल्टीपल पार्टनर होते हैं, सेक्स पार्टनर होते हैं, उन लोगों में यह अक्सर ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। और इसका बड़ा कारण होता है HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पॉपुलोमा एक वायरस होता है, उस वायरस की वजह से, जब यह वायरस जो होता है, यह वायरस जब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ये जो मैंने जैसे बताया, कोई या तो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हुआ है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, उस सेक्स के द्वारा या सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा या टच के द्वारा भी यह जो वायरस होता है, यह वायरस जो होता है हेल्दी जब ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाता है, तो उसके अंदर भी ये इस तरह का जो इन्फेक्शन है, जो वार्ट्स का इन्फेक्शन है, ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। यह जो इन्फेक्शन होता है, जनरली ऐसा माना जाता है कि ये STI की वजह से होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से यह जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है। इसके साथ साथ ही ओरल सेक्स द्वारा या एनल सेक्स करने से भी ये जो डिजीज़ है वो फैल सकती है। अगर लंबे समय से इस तरह की परेशानी है, तो महिलाओं में इस तरह की जो कंडीशन है अगर उनको, तो उसमें आगे जाकर उनको सर्विक्स से जो कैंसर होता है उसके भी चांसेस डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के, ऐसे कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, जिससे आइडिया लगे या जब आप अनुमान लगा सके कहीं आपको जेनेटल वार्ड्स या जननांगों पर जो है वो मस्से तो नहीं हो गए। इसमें जैसा मैंने बताया था, फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हैं या खुद ही आप जब देखेंगे, आपको एक देखने से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ ओवरग्रोथ होना शुरू हो गई है आपके जननांगों पर, उनके आपके जो लिंग पर, या महिलाओं की अगर बात करें तो उनके वेजेना में या वेजेना के आसपास में कुछ ओवरग्रोथ हो रही होना शुरू हो गई है। वह जो ओवरग्रोथ है, एक जैसे कि फूल की, फूल गोभी जो होती है, फूल गोभी के आकार की वहाँ पे एक ओवरग्रोथ है, जो जिसका कि कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, जो रफ है, खुरदरी सी दिख रही है उसकी जो आउटर सरफेस है वो। इस तरह की जो कंडीशन देखने को मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको जेनेटल वार्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा, जैसा मैंने बताया, तो ये सिंगल भी हो सकता है, कई दफ़ा जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ बिखरे बिखरे से स्कैटर्ड भी पाए जा सकते हैं, या गुच्छों के रूप में भी ये जो होते हैं वो पाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको इसमें इचिंग हो सकती है, महिलाओं में पर्टिकुलर बात करें तो महिलाओं में इसमें इचिंग हो सकती है, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके अलावा इंटरकोर्स के दौरान उनको पेन हो सकता है, और उसके साथ साथ ही ब्लीडिंग भी हो सकती है। यह इसमें कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि देखने को मिलते हैं, और उसके सहायता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके साथ में जो कंडीशन है, और अगर आप पाते हैं कि आपके साथ में अनप्रोटेक्टेड सेक्स की इस तरह की हिस्ट्री रही है, तो हो सकता है ये जो कंडीशन है वो आपको जेनेटल वार्ट्स हो। जब कभी भी इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हो सकता है आपको डॉक्टर आपके या तो इस पर लेजर या कुछ सर्जरी या इसको एसिड या कोई भी इसको जलाने के हिसाब से या कुछ आपको इसमें कुछ आपको रिकमेंड करे। लेकिन ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कई दफ़ा ये जो कंडीशन है वो रिपीटेडली बार बार ये होना शुरू हो जाती है। मैं आपको ऐसी कंडीशन है तो आपको कुछ सजेशन दूंगा। एक तो आप
हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें, कंडोम का यूज़ करें। और सबसे अच्छा तो है अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर हैं तो आप उससे बचें। ऐसी चीज़ें जो होती है, ये जो एक्टिविटीज़ होती है, ये आपको STD का, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का आपको खतरा बढ़ाती है। इसलिए अगर आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ ही आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है जो कि इसमें काफ़ी हेल्प करती है आपको इस तरह की जो कंडीशन है उससे आपको निजात दिलाने में। इसमें अगर हम बात करें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, इसमें जो सबसे पहली और जो मुख्य मेडिसिन है जिससे कि आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, जो जेनिटल वार्ट्स की एक खास दवा मानी जाती है, वो है थुजा 1M। जब कभी भी आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपने होम्योपैथी डॉक्टर, इसमें आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो जैसा मैंने आपको बताया थुजा 1M हो सकती है, क्योंकि थुजा 1M के इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। थुजा 1M इसमें जनरली वीकली, मैं अपने पेशेंट को वीकली देता हूँ, यानी आप संडे को अगर आपको दिए तो वापस नेक्स्ट संडे को ही मैं इसमें रिपीट करता हूँ 3 बूंद डायरेक्ट टांग पर। 7 दिन में केवल एक बार इसकी डोज दी जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन है जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं वो है नाइट्रिक एसिड 30। नाइट्रिक एसिड 30 भी इस तरह की कंडीशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और नाइट्रिक एसिड 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जहाँ कहीं भी इस तरह की ओवरग्रोथ हो जाती है। गोभी, फूल गोभी जो होती है, फूल गोभी के आकार की इस तरह की ओवरग्रोथ होती है, ऐसी कंडीशन में अगर आप ब्लीडिंग होती है वहाँ पर भी आपको नाइट्रिक एसिड 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है स्टेफेसिग्रे 30। स्टेफेसिग्रे 30 भी जेनिटल वार्ट्स की, चाहे पुरुषों की बात करें चाहे महिलाओं की बात करें, वहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। स्टेफेसिग्रे 30 को भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम के आधार पर आपको देने से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ ही कई दफ़े इन्हीं मेडिसिन की कुछ पोटेंसीज में भी बदलाव करके देखा जाता है। अगर उसमें आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसमें समय के साथ साथ धीरे धीरे इसकी पोटेंसी बढ़ाई जा सकती है ताकि आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। दोस्तों ये कुछ इसकी होम्योपैथी की मेडिसिन है, जेनिटल वार्ट्स की, जन्नांगों पर होने वाले आपके मसों की। इसके अलावा जैसे मैंने बताया और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। इसलिए आप जो भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।